न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। माटोड़ा थाना क्षेत्र में पत्नी से विवाद में पति पर हमला, फांसी लगाकर की आत्महत्या, बोर्ड परीक्षा के लिए नहीं देंगे स्कूल। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। वाटोड़ा थाना क्षेत्र में तीन युवकों ने एक महिला के साथ गाली गलौज की। महिला के पति ने विरोध किया तो आरोपियों ने मारपीट कर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। पुलिस ने दिगोरी निवासी अरविंद रेड्डी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आरोपियों में दिनेश गुप्ता और उसके दो साथियों का समावेश है। रविवार की शाम दिनेश और उसके साथी परिसर में दाखिल हुए। अरविंद की पत्नी को पड़ोस में रहने वाले विवेक गुप्ता को आवाज लगाने को कहा। इनकार करने पर आरोपियों ने गाली गलौज शुरू कर दी। इसी दौरान अरविंद ड्यूटी से घर लौटे। उन्होंने आरोपियों को समझाने का प्रयास किया तो विवाद शुरू कर दिया और अरविंद पर टूट पड़े। दिनेश ने रास्ते पर पड़ी ईंट से सिर पर वार कर अरविंद को बुरी तरह जख्मी कर दिया। वाटोड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। अगली खबर, बेलतरोडी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक बेसा चौक निवासी शेख शकील शेख सलाम बताया गया है। शकील ने अपने घर में छत के हुक से रस्सी बांधकर फांसी लगा ली। रविवार की सुबह परिजनों ने उन्हें फंदे पर लटके देखा और घटना की जानकारी पुलिस को दी। बेलतरोडी पुलिस मौके पर पहुंची, पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आत्महत्या का कारण पता नहीं चला है। पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। अगली खबर, सरकार ने जहां बोर्ड की परीक्षाएं समय पर और ऑफलाइन कराने की घोषणा की है, वहीं विभिन्न हलकों से विरोध की तस्वीरें सामने आ रही है। छात्रों के आंदोलन के बाद महाराष्ट्र राज्य शिक्षा संस्था महामंडल द्वारा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए केंद्र के रूप में भवन और अन्य सुविधाएं प्रदान नहीं करते हुए असहयोग की भूमिका अपनाई जाएंगी। यह जानकारी महामंडल के प्रमुख रविंद्र फडणवीस ने दी है। सोमवार को महामंडल के नागपुर और अमरावती विभाग की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सहयोग का निर्णय लिया गया। फडणवीस ने बताया कि राज्य परीक्षा मंडल से संबद्ध 64,000 स्कूल है। महामंडल ने इन सभी स्कूलों को बोर्ड परीक्षाओं के लिए भवन नहीं देने का निर्णय लिया है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।